ग्वालियर साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। लगभग 501 मोबाइल जिनकी कीमत 1,21,00,000 है उन्होंने बरामद किए, और जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हुए थे जब उनको आज वितरित किए तो उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक की ये ग्वालियर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये मोबाइल चोरी और जो मोबाइल स्नैचिंग का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से मोबाइल को प्राप्त कर पाते हैं लोग, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने एक वेबसाइट बताई है जिसके माध्यम से अपने EMI नंबर वो आप ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह स्वयं अपने हाथों से मोबाइल धारकों को, जिनके मोबाइल थे, मोबाइल मालिकों को बांट रहे हैं, और साथ में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर भी हैं, एडिशनल SP सियाज भी हैं। ये आप देख सकते हैं लगातार इस तरह की कार्रवाई धर्मवीर सिंह करते रहते हैं, और उनके निर्देशन में ये अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई है। आप देख सकते हैं लगातार जिन मोबाइल के मालिक जो हैं उनके चेहरों पर मोबाइल मिलते हैं मुस्कान आ गई, और डेटा भी उनका उसमें सेव रहता है, कीमत ही मायने नहीं रखती। आप देख सकते हैं सभी करते हैं, मोबाइल का गुमना, मोबाइल का खो जाना एक बड़ी आम समस्या है जिससे नागरिक गुजरता है। इससे पहले हमारे पुलिस विभाग के जो सिटीजन पोर्टल है उस पर भी सुविधा थी, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का जो पोर्टल है CEIR पोर्टल पर भी आप अपने मिसिंग मोबाइल की कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उस पोर्टल की कई फैसिलिटीज़ हैं, एक फैसिलिटी ये भी है कि जब आप पुराना मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी IMEI को सर्च करके देख सकते हैं कि मोबाइल ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। इसके बाद जब आपका मोबाइल गुम जाता है, खो जाता है, तो उस समय हमको ये करना चाहिए कि CEIR पोर्टल को डाउनलोड करके उसमें ज़रूरी जानकारी भरना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन चोरी गया है या गुम गया है या मिसिंग में है उसका ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसका उपयोग कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसमें जब भी कोई नई सिम उपयोग में लाई जाएगी तो उसका अलर्ट जनरेट होगा और अलर्ट पुलिस के पास आएगा। CEIR पोर्टल पुलिस से भी लिंक्ड है, और ये काफ़ी जो मोबाइल आप देख रहे हैं, टोटल 501 मोबाइल की रिकवरी, 1,00,00,000 से ज़्यादा के मोबाइल हैं जो पिछले 1-2 वर्षों में चोरी गए हैं, इनकी रिकवरी में काफ़ी इस पोर्टल का योगदान है। इस पोर्टल का उपयोग करके पुलिस ने काफ़ी बरामद की है, तो आम नागरिक इस पोर्टल के बारे में जागरूकता लाई जाए और इस पोर्टल का उपयोग करें, क्योंकि मोबाइल गुम जाना एक आम जनरल समस्या है। आज हमने जो 501 मोबाइल सीज किए इसके कुछ उपभोक्ताओं को बुलाया है, उन उपभोक्ताओं को हम लोग ये मोबाइल उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो मोबाइल मिलने से वो काफ़ी प्रसन्न भी हैं, और एक उनको काफ़ी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लिए काफ़ी संतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं। हमारी साइबर टीम लगातार इस पोर्टल के माध्यम से और जो हमारा पुलिस विभाग का जो सिटीजन पोर्टल है उसके माध्यम से शिकायतें प्राप्त मिलती हैं उनको लगातार सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद मोबाइल बरामद किए जाते हैं, बरामद करने के बाद जो उसका यूज़र है, जो कंप्लेनेंट है, उसको बुला के हम लोग हैंड ओवर करते हैं। आज ये टोटल 501 मोबाइल हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों से चोरी गए हैं, उनको साइबर टीम ने बरामद किया है और उनके जो कंप्लेनेंट है उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। लेकिन मोबाइल की जो मिसिंग के बाद उसकी जर्नी काफ़ी लंबी होती है, कई हाथों से गुजर चुका होता है, कई बार ये रीसेल हो जाते हैं, तो जो उनके लेटेस्ट यूजर थे जो उसको यूज़ कर रहे थे उसकी जो सेम यूज हुई उसके आधार पर अलग अलग जिलों से अलग अलग स्थानों से सीज किया गया। सर, क्या कुछ आरोपी वगैरह भी पकड़े गए हैं? कुछ केसों में जिनमें क्रिमिनल एंगल आया है, जिनमें FIR दर्ज हुई है, उनमें हमने मोबाइल को जब्त किया है, उनके मोबाइल कोर्ट के माध्यम से ही सपोर्ट किए जाए। पूरा डेटाबेस रखते हैं जहाँ बोनाफाइड चीज़ें हैं लोगों ने, इसीलिए पोर्टल की बात कर रहा हूँ। जब आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं